कोई इतनी बड़ी रिक्ति का जब मामला आता है और इस पर नियोजन की बात होती है तो सफल अभ्यर्थियों को भी कुछ कुछ शंकाएं होंगी और कुछ असफल को भी होगा। लेकिन अभी जो मुख्य रूप से जो आशंकाएं हैं, जो मैं भी देख रहा हूँ बाद मीडिया में भी आ रहे हैं, वो ये है कि कई इसमें फर्जी अभ्यर्थी जो हैं, तथाकथित फर्जी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने उसकी चेकिंग अभी जारी है, जो तथाकथित फर्जी अभ्यर्थी शामिल हो गए हैं उनको हटाया जाए। तो वही तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भी परीक्षा फल दिया वो सशर्त है और हमारा औपबंधिक है, सशर्त है, कंडीशनल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो हमारी जो प्रक्रिया है वो इसीलिए है कि ताकि जो भी अभ्यर्थी अपना जो दावा किए हैं वो कितना सही है कितना नहीं सही है उसकी सत्यता की जांच करेंगे और जो उसमें असफल होंगे वो हट जाएंगे, स्वाभाविक है और यही प्रक्रिया जारी है। और इसको जब लेकर के फिर लोगों की ये मांग करना, मैं समझता हूँ कि वो समय की बर्बादी है, क्योंकि जब वही काम हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग अब जो भी फर्जी हैं चाहे किसी भी तरीके, अगर कोई व्यक्ति अपने आवेदन में कोई दावा करता है, चाहे वो अपने आरक्षण कोटि को लेकर के, अपने आयु को लेकर किसी भी तरह का दावा करता है, अगर वो हमारे सिस्टम के हिसाब से हमको जब उसको चेक करना है, वो चेकिंग का काम हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही करते हैं। हम लोग उसको सही मान करके मेरिट लिस्ट बनाए और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट भेज दिया और ये सशर्त रिजल्ट है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल होंगे वो चयनित हो जाएंगे, वो योगदान दे सकेंगे, नहीं सफल होंगे हट जाएंगे। और उनके ऊपर तो हम लोगों ने ये भी कर रखा है कि अगर कोई कदाचार का जिस श्रेणी में जो आएगा, उसके बाद कई अभ्यर्थियों ने यह शिकायत की थी कि उनका पार्शियली वेरीफाइड हुआ है। स्वाभाविक है कि ऐसे पार्शियली वेरीफाइड को भी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देने की आवश्यकता थी। उसके अलावा बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे और उसका हम लोगों ने यहाँ पर उनके आवेदन को पोर्टल से जांच किया और उसमें जहाँ जहाँ हमें डाउट रहा वहाँ वहाँ हम लोगों ने डाउटफुल मानते हुए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। और जो क्लियर कट मामले थे, जो छटने वाले थे, लगभग 10,000 के आसपास हम लोगों ने छाट। लेकिन आप जानते हैं कि 9, 10, 11, 12 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वो पूर्ण रूप से एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि उसमें कई लोग संदिग्ध हो गए थे, कई लोगों का पार्शियली वेरीफाइड हुआ तो उन्होंने शिकायत किया था कि भाई मेरा तो सही होने के बावजूद पार्शियली वेरीफाइड हो गया। और इन सब कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने यह भी तय किया कि प्राथमिक का डीवी हम यहाँ पर नहीं करेंगे और इसीलिए शिक्षा विभाग के साथ तालमेल बैठाते हुए हम लोगों ने कहा कि ये डीवी का प्रोसेस जो है वो शिक्षा विभाग जब योगदान देने के समय आएगा उसी समय किया जाएगा, उस समय छट जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो मुझे जो सूचना है उसमें लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में लोग अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट रहे हैं। स्वाभाविक है, छटना ही था उनको, अगर वो गलत है तो छटना ही है। लेकिन कई ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें हमें डीवी के दौरान, मतलब जो शिक्षा विभाग को भी डीवी के दौरान उनको संदेह का लाभ देने की मजबूरी है। जैसे एक दृष्टांत मैं बता सकता हूँ, अभी मीडिया पर ही आ रहा था कि उस वो बीएड है और उसका इसमें हो गया, प्राइमरी में हो गया। अब अगर उसने अपने दावा में अगर उसने डिप्लोमा भी लिखा होगा, वैसे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई 10,000 से करीब ऐसे अभ्यर्थी थे जो बीएड भी थे और डिप्लोमा भी थे, अगर उसने अपने दावा में अगर कहा है कि भाई हम तो डिप्लोमा है तो हम तो उसको डिप्लोमा ही मान करके देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं देता है तो छट जाएगा। इसी तरीके से किसी ने बताया कि कोई कैंडिडेट है जिसका चयन हो गया और एसटीईटी जो है वो पास भी है लेकिन वो डोमिसाइल बिहार का नहीं है, जबकि एसटीईटी में ऐसी बातें थी। तब तो ये पहले तो देखना होगा कि एसटीईटी में उसको कैसे वो प्रमाण पत्र मिल गया, अगर 2019 में मिला तो इसके बारे में तो आवश्यक अनुसंधान जो होगा तब पता चलेगा। अभी हमें क्या करना है, मतलब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर यह एक प्राइमा फेसी देखा जाता है कि उसके पास में एसटीईटी का एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और ये देखा जाएगा कि एसटीईटी का ये वैलिड डॉक्यूमेंट क्या उसने जालसाजी करके प्राप्त किया या उसका सही तरीके से प्राप्त किया, ये आगे अनुसंधान का विषय है। और अभी हम लोग उसको रोक नहीं सकते क्योंकि हम लोग का जो इंडियन लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस है कि हर कोई निर्दोष है जब तक कि वो अपराधी घोषित नहीं हो जाए, इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, जब तक कि वो गिल्टी प्रमाणित नहीं हो जाता है तब तक इनोसेंट मांगे किया जाएगा। और ये जो फर्जी दस्तावेज अगर कोई किसी भी जगह का लेके आता है, अगर वो मूल रूप में लाता है, प्रथम दृष्टव्या हम लोग प्राइमा फेसी उसको सही मानेंगे और कालांतर में जब उसकी वृहद जाँच होगी, जो कि होना ही है।